भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री निरंजना ज्योति वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर देश के उज्जवल भविष्य की भगवान कृष्ण से कामना की। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब लग रहा है कि पूरा भारत आजाद हुआ है। सभी देशवासियों की यह इच्छा थी। भारत की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के बल पर 70 वर्षों से जो कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं कह सकती हूँ कि 56 इंच के सीने ने, वो करके दिखा दिया जिसको लोग सपना समझते थे। जिस तरह से वहाँ लोगों ने जश्न मनाया है, सही महीने में भारत आज़ाद अब हुआ है और उसके हम साक्षी बने। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई होगी हम लोगों को याद नहीं, हम लोगों ने देखा भी नहीं है, लेकिन एक आज़ादी की लड़ाई हुई जिसमें जनता ने सहयोग किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ताकत के बल पर, जन समर्थन के बल पर कश्मीर को आज़ाद कराया, माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और वहाँ की जनता भी बधाई की पात्र है।